के कल्प सूर्य देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक राक्षस था जिसका नाम था जलंधर। भगवान ने शंकर उससे बहुत लड़ते हैं लेकिन उसे मार नहीं पाते हैं। शंभु कीन संग्राम में अपारा, लेकिन धनुज महाबल मरई न मारा। भगवान ने शंकर से भी जलंधर नहीं मर रहा था। अब क्या किया जाए? तो भगवान नारायण का स्मरण किया गया। भगवान नारायण प्रकट हुए, बोले क्या मैं सहायता करूं? भगवान शंकर ने कहा आप कुछ करिए तो ये जलंधर मरे, क्योंकि इसने सबका जीना हराम करके रखा है। किसी को पूजा पाठ भक्ति भजन कुछ भी नहीं करने देता, इसलिए इसको इसका मरना बहुत जरूरी है। तो भगवान नारायण फिर मदद करते हैं। छल कर टार्यो तासु व्रत प्रभु सुर कारज कीन है, जब तही जान्यो मरम तब श्राप कोप कर दीन। जलंधर क्यों नहीं मर रहा था? जलंधर की जो पत्नी है वह इतनी बड़ी पतिव्रता है वृंदा कि उसके सतीत्व के कारण, वृंदा के सतीत्व के कारण भगवान शंकर भी जलंधर को नहीं मार पा रहे हैं। कितनी बड़ी सती है नारी कि शंकर जी हार गए नहीं मार पाए। ये है नारी का सतीत्व। हम आपका अगर इसी तरह से सतीत्व अडिग रहे, अचल रहे, तो कोई भी दुनिया की ताकत नहीं है जो हमारा कुछ बिगाड़ सके। जब भगवान शंकर नहीं मार पा रहे हैं तो सामान्य लोग कैसे किसी का कुछ बिगाड़ सकते हैं? तो यहां पर भगवान ने वृंदा के सतीत्व को नष्ट करते हैं तो अपने लिए नहीं करते हैं, देवताओं के कार्य के लिए करते हैं, जगत के कल्याण के लिए करते हैं, धर्म की रक्षा के लिए करते हैं। तो यहां पर हम भगवान को ये नहीं कह सकते कि प्रभु ने अच्छा नहीं किया है, ये परहित के लिए भगवान कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, जब जलंधर की पत्नी का हाथ पकड़ करके भगवान ऐसे किनारे करते हैं और उससे पता चला कि ये मेरा पति नहीं है, ये तो भगवान नारायण है, तो वृंदा ने भगवान को श्राप भी दे दिया। मैं एक पतिव्रता नारी हूं, आपने मेरा स्पर्श किया है, हाथ पकड़ा है, मेरे सतीत्व को आपने खंडित किया है, मैं आपको श्राप देती हूं कि मेरा पति भी आपकी पत्नी का हाथ पकड़ करके उसका हरण करेगा। और वही पे जलंधर रावण हुआ, फिर भगवान की पत्नी सीता का हरण करके ले जाता है। तो भगवान ने उस श्राप को भी स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि इससे जगत का कल्याण है। किसी का हित करने में अगर हमें थोड़ी कष्ट मिलता है तो वह कष्ट स्वीकार कर लेना चाहिए। हमें भले थोड़ा सा दुख मिल जाएगा लेकिन काफी लोगों को उससे सुख मिलना है, तो वह दुख भी हमारे लिए प्रशंसनीय है, उसे स्वीकार करना चाहिए। तो भगवान ने वृंदा के श्राप को अपने सिर पर रख लिया। छल कर टार्यो तासु व्रत प्रभु सुर कारज कीन, जब तेहि जान्यो मरम तब श्राप कोप कर दीन। और वही वृंदा फिर तुलसी के रूप में प्रकट होती हैं। और हम सब आप जानते हैं भगवान को उसने पत्थर होने का भी श्राप दिया था कि आप पत्थर हो जाएंगे, तो भगवान शालिग्राम के रूप में परिवर्तित हुए। और शालिग्राम की जब पूजा की जाती है तो उनको तुलसी दल जरूर चढ़ाया जाता है। अगर तुलसी नहीं चढ़ेगी तो भगवान का सिर चढ़ा रहेगा, भगवान के सिर में दर्द रहता है, इसलिए शालिग्राम की तुलसी जो होती है कभी उतारना नहीं चाहिए। 24 घंटे शालिग्राम के ऊपर तुलसी को रखना चाहिए।